Subscribe my YouTube channel and press the bell icon for endless videos on moto vlogs, product reviews and much more. बहुत देर से हवा में ताड़े जा रही है और उसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज राजगीर में हमारा है डे टू और आज का स्टे यहीं होगा. हमने कल से रूम चेंज कर दिया है. एक्चुअली सेम होटल है बट एक फ्लोर नीचे आ गए. थोड़ा छोटा रूम है बट बॉस उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना वहां था. बाथरूम सही है, एसी सही है, सामान रखने को सही जगह मिला है और ठीक ठाक रूम है. बस इसका कौन यही है कि ये छोटा रूम है. सारे होटल्स का यही सीन है. हमने कुछ और होटल्स पे भी जाके बात की बट मतलब क्या बोले, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभानअल्लाह वो हाल है. और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30. दिन में मैं जब निकला था होटल का पता करने, बॉस इस तरह इतनी बुरी गर्मी थी कि हमने डिसाइड किया कि बॉस आज रूम पर ही रहते और शाम के वक्त निकलेंगे. सो अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा राजगीर एक्सप्लोर करने और देखते हैं कहाँ कहाँ का प्लान थोड़ा बहुत हमने बनाया है, तो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है हम लोग कवर अप करके और देखते हैं कैसा चलता है. एसके भाई की हाथी तो नहीं ले जा रहा हूँ, हाथी से आप समझ ही गए होंगे. और सनी भाई की पल्सर है, मेरी ट्रिगर है, तो मेरी बाइक चलाएंगे एसके भाई और सनी भाई की पल्सर चलाऊंगा मैं. और कभी सनी भाई भी एक्चुअली हाथी की बात नहीं है, रास्ते में थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई थी तो इसकी वजह से बेकार में क्यों उसको ले जाना. और बेचारी बाइक थक जाएगी, प्यारी सी कोमल सी बाइक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500. चलो ठीक है, बाहर मिलते हैं. ओके सो वी हैव टू टेक दिस राइट. थोड़ा ऑफ रोडिंग का टाइम है. बस आप 220 में एक बार मुझे ऑफ रोडिंग कर दिखाओ. आपकी ना धड़कने तेज हो गई तो मेरा नाम बदल देना. बस हो गया हमारे साथ पोपट. और जहाँ हमने जाने का प्लान किया था, थैंक्स टू गर्मी हमने सोचा कि यहाँ लेट तक कुछ खुला होगा बट 4-5 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है. तो अभी हम लोग वहीं जा रहे थे, काफ़ी दूर आ भी चुके थे और तब पता चला कि वो बंद हो गया होगा और एंट्रेंस भी इधर से नहीं था, थैंक्स टू गूगल आंटी. सो चलिए अभी कुछ कह नहीं सकते, आज का दिन तो बर्बाद हुआ, हेंस प्रूव्ड. ओके सो जाना तो कैंसिल हो गया बॉस और अंधेरा भी काफ़ी हो गया. अभी मैं बाइक की लाइट यूज़ कर रहा हूँ व्लॉग करने के लिए. बस हम लोग ऐसे ही किसी सुनसान अनजान सी जगह पे रुक गए. यहाँ पर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और फोटोग्राफी का सेशन चलने वाला है, बाइक्स का, हमारा सबका. तो सब कुछ रेडी है बहुत शॉर्ट में क्योंकि सुनसान जगह है और हाँ. बिहार है तब पता है क्या. तो बॉस कुछ भी हो सकता है इसलिए, और देख लीजिए आप चारों तरफ देखिए कोई भी नहीं है. आ गए वापस होटल और हमसे एक गड़बड़ हो गई कि हमने ये सोचा कि यहाँ बहुत जल्द देर तक खुला रहेगा सब कुछ, जो हमने वो फॉलो किया जो गूगल पे टाइम दिया हुआ था बट सब कुछ उससे बहुत पहले ही बंद हो चुका था. तो आज का दिन वेस्ट हो गया बट अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और कल का भी स्टे हमें राजगीर में ही करना है बिकॉज आज तो बर्बाद हो गया. तो दैट्स इट, अब चलते हैं होटल में, देखते हैं क्या क्या करेंगे. तो फिर ब्लॉग वहीं एंड होगा. और वहाँ हमारी बाइक पार्क है. सनी भाई आ जाओ, जेल से निकल रहा है हमारा भाई. आ जा. ओके सो बैक इन होटल. काफ़ी टाइम पहले आए थे, अभी लगभग 11 बजे सोने का टाइम हो गया है और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इधर चार्ज में लगे हुए हैं. एसके भाई रेडी है सोने के लिए. हमने मैनेजर को बुलाया था, एक्चुअली मालिक था वो. हाँ, सो ही वॉज द ओनर ऑफ द होटल. तो उससे सारा आइटनरी प्लान करा है,
मतलब एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर जाना सही रहेगा और किस टाइम पे किस जगह जाना है। तो बॉस बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, सारा चीज़ बताया, और फिर हमने कंप्लेन भी किया कि हमें कैसा ट्रीटमेंट मिला था ऊपर होटल में कल। तो उन्हें जब पता चला कि हम यूट्यूबर हैं तो बॉस पूरा सर्विस ही चेंज हो गया, मतलब न्यू प्लेट्स और सारे वगैरह सब चीज़ अच्छा से होने लगा, हर तरीके जैसा जैसा होना चाहिए एक होटल में उस तरीके से मिल रहा था। सो थम्स अप, अब थम्स अप। तो कोई भी अगर आता है इस होटल में तो हमारा रेफरेंस दे देना, तो शायद आप लोगों को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। ये मैं कहूँगा कि स्टाफ अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप ओनर से एक बार कंप्लेन कर देते हैं तो फिर उसके बाद सर्विस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो तो एंड नहीं हो रहा है, वीडियो कल कंटिन्यू होगा बिकॉज आज तो कुछ किए नहीं है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 3 राजगीर में और आज हम करने वाले हैं एक्चुअल में एक्सप्लोर। सारे गेयर्स बिखरे पड़े हुए, अभी सबको अरेंज करना है और अभी कितने बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं। सो थोड़ी देर में निकलते हैं और आज राजगीर एक्सप्लोर होगा। कल का दिन तो वेस्ट हो गया, बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत सारी जगह घूमने हैं, तो अभी देखते हैं कितना। तो बॉस अगर बहुत सारी जगह छूटने वाली है वो हमें भी पता है, तो अगर छूटती है तो बॉस कमेंट में ये मत लिखना भाई वहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए, हमें सब पता था कौन कौन सी जगह जाना है, बट टाइम की वजह से हमें बहुत शॉर्ट लिस्ट को शॉर्ट करना पड़ा। तो देखते हैं जितना हो सके कवर उतना करेंगे। तो बॉस निकल चुके हैं अभी होटल रूम से और पहला डेस्टिनेशन हमने प्लान किया है हमारा रोपवे। सो वो यहाँ से थोड़ी दूर पर दूरी पर है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एसके भाई के पास जीपीएस है और वो शायद कहीं आगे निकल गए हैं, तो अभी चलते हैं वहाँ पे। ओके सो दिस इज द गेट ऑफ विश्व शांति स्तूपा and we have to move straight ahead. If you could see that temple, that's a stupa over there, so we'll go there by the cable cart hopefully, and this is really beautiful. I mean the Ashoka trees and beautiful roads, beautiful mountains. विश्व शांति स्तूपा के नीचे वाले पार्ट पे, यहाँ से हमें रोप वे लेकर ऊपर जाना है और टिकट का प्राइस 80 रुपीज़ है। और बॉस ये कोई केबिन कार्ट वाला रोप वे नहीं है, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या है ये। तो चलो चलते हैं बॉस, ये है केबल कार्टिंग वाला रूट और देख लो बॉस कैसा है केबल कार्ट। सबसे मज़े की बात ये है कि ये रुकता नहीं है, चलते चलते मैं बैठो चलते चलते मैं उतरो, और किस्मत अगर फूटी रही तो चलते चलते मैं ऊपर भी निकल लो। चलो चलो तो इस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, ये देख सकते हो हमारा पैर लटक रहा है हवा में, वो सनी भाई रहे। Look at that, we have to go straight. Oh my god. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जब शुरू शुरू बैठोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा, बट देन यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। भैया केबल कार्ट काफ़ी स्मूथ है, बट क्या बोलूँ, जब वो पिलर्स क्रॉस करती है, इफ़ यू कुड सी देयर वाइट कलर का ये वाला पिलर, ये इसको जब ये क्रॉस करता है तो बहुत बुरी तरह से पूरा कार्ट शेक करता है। तो नीचे ना देखो, सामने देखते रहो और मज़े लेते रहो। अब आने टाइम देखता हूँ क्या हाल होता है। इसके भाई कैसा लगा? बहुत मजा आया, शुरू शुरू में थोड़ा डर लग रहा था। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने भी ये बोला। हाँ, उसके बाद फिर जो है बहुत स्मूथ हो जाता है, नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत। बस वो पिलर जब क्रॉस करता है तो उस टाइम थोड़ा कार्ट शेक करता है, बस बीच में थोड़ा सा व्यू जो है नीचे देखने पे थोड़ा सा आपको चक्कर वगैरह आ सकता है। सनी भाई थोड़ा सा संभाल के। सनी भाई मजा तो आया, मगर उतना हाइट नहीं था तो डर नहीं लगा, मगर मजा आया भाई, अभी जाने टाइम समझ में आएगा।
शुगर के लिए किस चीज़ का है ये क्या चीज़ का? अच्छा इससे क्या होता है? गठिया के लिए। ओके ये नी पेन और उसके लिए है। और ये क्या चीज़ है? ओके दिस इज फॉर पाइल। और ये क्या है मीठा? अच्छा अच्छा सफेद मुसली बोला जाता है। और ये क्या चीज़ है? लकड़ी जैसा? अच्छा आ गए हैं विश्व शांति स्तूपा और ठीक हमारे पीछे है ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर जो कि स्तूपा बोला जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये ध्यान से सुनना भाई, यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं और अभी यहाँ पर इस जगह पर बच्चे बैठे हुए हैं जो एक अचानक से लंगूर कूद कर आया और अपने पूंछ से इसके गाल पर सटाक से लगाया और पार हो गया। इसलिए कैमरा को मैं हमेशा अपने गर्दन में ही टांगा रह रहा हूँ बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जो भी सामान आपके हाथ में होगा वो लोग छीन लेंगे। यहाँ पे सेम दौड़ रहे हैं सब, वो देखिए सब दौड़ रहे हैं इधर से उधर। तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल रिगार्डिंग दैट क्योंकि कहीं से भी कोई भी कूद सकता है और आपके सामान आपके हाथ से चला जाएगा। कंप्लीट 360 सर्कल अराउंड द स्तूपा और चार तरह के यहाँ पर स्टैचू बने हुए थे बुद्ध के, मेडिटेटिंग, स्लीपिंग और दो तरह का और क्या देखा? ओके तो दो और थे, आप रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ से बस व्यू देखो, क्या खूबसूरत व्यू है। ठीक वहाँ से एंट्रेंस है आपका, वहाँ से आकर फिर आपको इधर अपने जूते चप्पल जो उतारना नीचे उतार कर फिर यहाँ से चढ़ गए सीढ़ी से आके यहाँ पर आना है। सो लेट मी शो यू अ इंटरेस्टिंग थिंग, इफ़ यू प्लेस अ कॉइन ओवर देयर ऑन द वॉल इट गेट स्टिक। इसके भाई थोड़ा डेमो दिखाइए, अभी चिपका था इधर, हम दिखा देते हैं। ओके सनी भाई लुक एट दैट, हाँ देखिए थोड़ा सा मूव करो, गिर गया। और लेट मी ट्राई, अरे वाह एक बार में चिपक गया लेकिन डिसलाइक हो गया, थम्स डाउन। ओके ओके डिसलाइक हो गया तो थम्स अप करके, हाँ तो थम्स अप भी चिपक गया, थम्स अप भी चिपक गया। तो इसीलिए इस बात पे इस वीडियो को लाइक करो भाई और सब्सक्राइब भी करो, और सब्सक्राइब भी करो। तो बॉस हमें टारगेट कर लिया गया है, ठीक वहाँ देखो यार और पास आ गया है, तो हमें एक बंदरिया ने टारगेट कर लिया है, वो देखिए बहुत देर से वो हमें ताड़े जा रही है और उसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। उस बच्चे को बहुत बुरी तरह पड़ी थी पूछ से ही, तो यहाँ से निकल जाना बेटर होगा क्योंकि पूरा गैंग बैठा हुआ है यहाँ पे उनका, यहाँ से निकल लो भाई। ये देखो भाई मेरे अगल और बगल दोनों साइड बैठे हुए एक एक, तो पता नहीं आगे कैमरा वैमरा ना छीन ले। तो अब जा रहे हैं बॉस हम लोग नीचे वापस केबल कार्ट से, थोड़ा दूर और सीढ़ियों से जाना है नीचे और फिर केबल कार्ट पर बैठकर फिर से नीचे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होता है। जाने में और ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है बिकॉज यहाँ से आपको क्लियर डाउन दिखता है और थोड़ा सा पेट में कुछ कुछ लगता है, मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता होगा या नहीं। और वही पिलर के पास जाने से हिलने लगता है सब, बाकी बहुत सीन बहुत खूबसूरत है, आई विल से दैट आना वर्थ इट है यहाँ पर।
को चलना है घोरा कटोरा लेक, और देखते हैं कैसा होता है घोरा कटोरा लेक और क्या मीन्स है वहाँ जाने का, क्योंकि मैंने सुना है कि हम वहाँ बाइक नहीं ले जा सकते हैं, टमटम से जाना होगा, बाइक अलाउड नहीं है वहाँ पर। सो लेट्स गो। ओके, दिस इज़ द वे टू घोरा कटोरा। क्या चार्जेस है आप लोगों का? 100 रुपये पर हेड। ओके भैया, घोड़े का नाम क्या है? किसान। किसान टांगा। किसान टांगा, अच्छा किसान टांगा। इसका क्या नाम है? इसका राजा बाबू। राजा बाबू, ओके नाइस नेम। तो भैया का नाम राजा बाबू है, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनू यादव। क्या नाम है? सुनू यादव। चुके हैं घोरा कटोरा, मेरे दाएं और बाएं एसके भाई और सनी भाई है, और मैं भी पूछ रहा था सनी भाई से कि दाएं और बाएं किधर होता है बोलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो लेक नहीं है, बट खूबसूरत है, शांत है, और देख लीजिए पहाड़ियों के बीच में है। सो काफ़ी खूबसूरत है। शायद यहाँ बोटिंग का भी फैसिलिटी है, बट हम लोग करने वाले नहीं। करना है क्या? नहीं, किसी को मन नहीं है, ऑलरेडी काले हो चुके हैं, बहुत टैन हो के कड़ी धूप में घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये सोचा नहीं था कि यहाँ इतना गर्मी होगा। तो किसी तरह से 2-3 बार हमने ड्रॉप किया घोरा कटोरा का प्लान, या इनफैक्ट आधा दूर तक हम लोग चले गए थे, मतलब निकल चुके थे वहाँ का गेट से बाहर, बट फिर क्या मन किया हम लोग चलो यार घूम लेते हैं। सो आ गए घोरा कटोरा। वैसे घोरा कटोरा नहीं है ये, घोड़ा कटोरा है, हॉर्स कटोरा। हॉर्स कटोरा, घोड़ा और बॉल, कटोरा मतलब बॉल, हॉर्स और बाउल। तो घोड़ा कटोरा है वो इंग्लिश में लिखा जाता है घोरा कटोरा। तो अभी आते वक्त एक बहुत ख़ास चीज़ हमें देखने को मिली, यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन्स भी हैं, छोटे साइज़ के थे, बट देख के मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ शॉक्ड हो गया। तो बस कोमोडो ड्रैगन यहाँ से कहाँ आ गया, और टमटम वाले का कहना है कि आगे और बड़े बड़े भी होते हैं, तो देखते हैं अगर किस्मत रहा तो मिलेंगे। बस ज़्यादा तो यहाँ घूमने को कुछ है नहीं, बस आपको ये स्टैचू दिखेगा और आपको यहाँ का ब्यूटी इन्जॉय करने का मौका मिलेगा बस। और कुछ बोट्स हैं यहाँ पे, आप बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ टिकट काउंटर है। और अभी जाना है हम लोग को नालंदा, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। और तो हमें खाना सोचा स्किप करते हैं, यहीं कुछ स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह खा लिया है हम लोगों ने, और अब चलते हैं नालंदा की तरफ। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ हमें टमटम में होकर जाना होगा वापस, लगभग 7-8 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। सो यही सीन है। हाँ तो भैया, हो चुका है हमारा घोरा कटोरा कंप्लीट, और द टाइम इज़ 3:30 राइट नाउ, और अब हमें जाना है नालंदा यूनिवर्सिटी, द ओल्ड रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी।